आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। बक्सर ठटेरी बाजार में दुकानदार ने मापतौल अधिकारी पर लोहे की रॉड से हमला कर किया लहूलुहान। अधिकारी ने बताया कि जान से मारने की थी कोशिश। किराना दुकान का लाइसेंस जांच करने के लिए मापतौल निरीक्षक पर जानलेवा हमले किए जाने का मामला सामने आया है। घटना ठटेरी बाजार की है, जहां गणेश किराना स्टोर नामक दुकान की जांच करने पहुंचे किराना दुकानदार छोटे लाल उर्फ कृष्ण प्रसाद गुप्ता तथा उनके दो पुत्र सूरज और दीपक ने लाइसेंस दिखाने की बात कहने पर मापतौल निरीक्षक के साथ मारपीट की। इस मारपीट में मापतौल निरीक्षक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्होंने नगर थाने में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी किए जाने का अनुरोध किया है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संदर्भ में मापतौल निरीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि वह बुधवार को दिन में ठटेरी बाजार के गणेश किराना स्टोर में पहुंचे, जहां उन्होंने दुकानदार से लाइसेंस दिखाने की बात कही। दुकानदार ने लाइसेंस ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वह लाइसेंस दिखाने में सफल नहीं हो सके, जिसके बाद मापतौल अधिकारी ने दुकानदार को तुरंत ही एक नोटिस दिया, जिसमें यह लिखा हुआ था कि यदि उनका लाइसेंस बना हुआ है तो उसे उनके कार्यालय में लाकर दिखाया जाए, अथवा अगर नहीं बना है तो नया लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया की जाए। उन्होंने जैसे ही नोटिस दुकानदार के हाथ में दिया, दुकानदार आग बबूला हो गया तथा नोटिस को फाड़ दिया। बाद में मापतौल निरीक्षक वहां से निकलने लगे, लेकिन जैसे ही वह दुकान से बाहर निकले, दुकानदार और उनके दो पुत्र मिलकर उनके साथ मारपीट करने लगे। उनके ऊपर लोहे की रॉड से वार किया, जिससे वह जख्मी हो गए, जिसके बाद उन्होंने नगर थाने में आकर आवेदन दिया है। उधर मामले की पुष्टि करते हुए नगर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि मामले में आरोपी दुकानदार के पुत्र सूरज कुमार को गिरफ्तार किया गया है, अन्य दो की तलाश जारी है। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। और सर क्या हुआ था आपके साथ? हम लोग बाजार निरीक्षण में गए हुए थे निर्देशानुसार, और ठठेरी बाजार अवस्थित गणेश किराना स्टोर, जिसके प्रोपराइटर छोटे लाल उर्फ कृष्ण प्रसाद गुप्ता हैं, वो अपना लाइसेंस नहीं दिखा रहे थे। हम लोग ने 5-10 मिनट वेट किया, वो खोजे नहीं मिला, तो हमने उन्हें कहा कि एक नोटिस देते हुए कहा कि आप 23 तारीख को आके, डेट दिया गया कि 23 तारीख को आके अपना जो भी लाइसेंस होगा दिखा दीजिएगा, और नहीं बना होगा तो उसे बनवा दीजिएगा, कोई बात नहीं। तो उनका नाम पूछा गया, तो नाम तो उन्होंने अपना बताया था, लेकिन जैसे ही पिता का नाम पूछा गया तो उन्होंने बोला आप हमको नोटिस दीजिएगा, आप कौन होते हैं नोटिस देने वाले, मैं नहीं रखूँगा। और उसके बाद अपने पिता के भी नाम उन्होंने नहीं बताया, तो हमने उस पर लिख दिया कि पिता का नाम नहीं बताया गया, हस्ताक्षर इनके द्वारा नहीं किया गया। और उसके बाद कार्बन को भी जब उन्हें दी तो वो फाड़ कर फेंक दिए। उसके बाद हम लोग वापस चले आए, रोड पर चले आए, तब तक पीछे से उनका एक लड़का आया, एक लड़का पहले से मौजूद था जो खोज रहा था, एक और लड़का आया जिसका नाम दीपक कुमार है, और तीनों आके मुझे माँ बहन का गंदी गंदी गालियाँ देने लगे और दौड़ कर जो है मारने के लिए दौड़ने लगे। हमने बचाव का काफी क्या उनका वार है, जानलेवा था क्या? जान लेने के उद्देश्य जी जी सर, रॉड से भी वो लेकर आए हुए थे, एक लड़के थे जिन्होंने सर पर वार किया और नाक पर भी लगा, खून बह रहा था और पीछे भी चोट है, पूरे बॉडी में पेन है और यहाँ स्वेटर। मारने का उद्देश्य क्या था? जानलेवा था जी सर, जानलेवा था। कितने लोग शामिल थे इसमें? हम तीन लोग वो थे, उसके बाद एक दो और लोग थे जिनको मैं पहचान नहीं पाया, और मतलब वो बचा रहे थे कि मार रहे थे, मुझे पता भी नहीं चल पाया क्योंकि चारों ओर से मुझे घेर लिया। आरोपी कौन कौन थे, क्या क्या नाम था? आरोपी का नाम छोटे लाल उर्फ प्रकाश गुप्ता, और दीपक कुमार और एक सूरज कुमार। एक आरोपी अभी गिरफ्तार होकर आए हुए हैं। सर आपका परिचय? सर मैं रोहित कुमार, निरीक्षक मापतौल बक्सर। ठीक है, धन्यवाद।